पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी ने बाजी मार ली है। आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा 3.75 लाख वोटों से जीत गए हैं, तो वहीं बालीगंज से बाबुल सुप्रियो ने भी जीत हासिल कर ली है। टीएमसी की इस शानदार जीत पर पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुशी जाहिर करते हुए मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। ममता ने ट्वीट कर कहा कि मैं AITC पार्टी के उम्मीदवारों को यह निर्णायक जनादेश देने के लिए आसनसोल संसदीय क्षेत्र और बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। उन्होंने आगे कहा कि हम इसे अपना माँ माटी मानुष संगठन के लिए अपने लोगों का हार्दिक शुभ नवा वर्षो उपहार मानते हैं। हम पर फिर से भरोसा करने के लिए मतदाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया और उन्हें सलाम। आपको बता दें कि आसनसोल सीट झारखंड के धनबाद जिले की सीमा से लगी हुई है। यहां पर हिंदी भाषी मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसी को देखते हुए टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। आसनसोल लोकसभा सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रहे बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था, जिसके बाद यहां चुनाव कराया गया था, जिसमें दोनों ही सीटों पर टीएमसी की शानदार जीत हुई।